है, ये संजय सिंह कौन है? समर के भाई है क्या? संजय सिंह को हम लोग भी नहीं जानते कि संजय सिंह कौन है। तो अगर वो 3 साल से काम करा रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे, तो क्या आज तक आकांक्षा दुबे जी ने कहीं कंप्लेन की है? समर के भाई संजय है, तो क्या संजय भाई नहीं है? कोई उनके भाई संजय नाम के है ही नहीं। अब वो कौन संजय है ये तो मधु दुबे जी ही जानती होंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका उनसे अफेयर चल रहा था और बाद में शादी करने वाले थे दोनों लोग, क्या ये बात सत्य है? क्या आपको लगता है कि समर काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते थे? संजय का नाम कैसे आने लगा? अब ये तो वही बता सकती हैं, हो सकता है उनके साथ काम करने वाला कोई और हो। हाँ, कि मान लीजिए समर सिंह दोषी नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है और सच में दोषी नहीं है, तो कानून से वो भागे क्यों है? मतलब ये तो ना मैं जानता हूँ, ना संजय को मैं जानता हूँ, ना हमारे मोहल्ले के लोग जानते हैं संजय सिंह नाम का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। आकांक्षा दुबे मर्डर मिस्ट्री सर आप जितनी आसान समझ रहे हैं उतनी है नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आकांक्षा दुबे की माता जी मधु दुबे महाराष्ट्र से जैसे वाराणसी पहुंचती है, सबसे पहले सबसे बड़ा आरोप लगाती है संजय सिंह और समर सिंह, समर सिंह और संजय सिंह। सबसे बड़ा सवाल है कि समर सिंह कौन है और संजय सिंह कौन है? तो समर सिंह वही है जिनके साथ वो वैलेंटाइन की पोस्ट डालती है, इसके बाद जो है उनके साथ काम करती है, तमाम बड़े बड़े हिट हिट एल्बम देती है। तो सवाल ये आता है कि क्या समर सिंह ने जो है हत्या कर आत्महत्या के लिए उकसाया? तो अगर समर सिंह ने उकसाया तो संजय सिंह कौन है और संजय सिंह कहां है? तमाम लोगों की तमाम तमाम बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन सबसे बड़ा आरोप संजय सिंह और समर सिंह पर है। संजय सिंह समर सिंह अभी है नहीं। चाचा ये बताइए, ये समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है, समर सिंह को तो सब कोई जानता है, ये संजय सिंह कौन है? समर के भाई है क्या? संजय सिंह को हम लोग भी नहीं जानते कि संजय सिंह कौन है। तो मधु दुबे कह रही यानी आकांक्षा की माता जी कि समर के भाई संजय है, तो क्या संजय भाई नहीं है? कोई उनके भाई संजय नाम के है ही नहीं। अब वो कौन संजय है ये तो मधु दुबे जी ही जानती होंगी। तो ये इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया? अब ये तो वो जाने कैसे उन्होंने लगाया। हाँ, मतलब संजय नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी भाई नहीं है, पूरे मोहल्ले में हमारे कोई इस नाम का नहीं है। हाँ, तो फिर संजय का नाम कैसे आने लगा? अब ये तो वही बता सकती हैं, हो सकता है उनके साथ काम करने वाला कोई और हो। हाँ, हो सकता है आकांक्षा दुबे जी के साथ काम करने वाला कोई। सामने खुल्ले खुल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि समर सिंह के भाई संजय सिंह ने 21 तारीख को जो है जान से मारने की धमकी दी हुई थी। अब तो ये संजय सिंह को ढूंढे, संजय सिंह की पड़ताल की जाए, संजय सिंह ने क्यों कहा, कौन है, क्यों कहे। हाँ, ये तो संजय जी का विषय, संजय सिंह बताए कौन है, क्यों कहे। ये तो न मैं जानता हूँ, न संजय को मैं जानता हूँ, न हमारे मोहल्ले के लोग जानते हैं संजय सिंह नाम का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि समर का कोई भी भाई संजय नाम से है ही नहीं। तो समर कितने भाई हैं? समर 3 भाई हैं। समर सबसे छोटे हैं, काफी पहले यहाँ से वो जा चुके हैं बचपन में ही। हाँ, वो बाहर चले गए। हाँ, वहीं अपना संघर्ष किए, अपना जो भी उनके मुकाम हासिल हो मिला है। हाँ, बाकी उनका यहाँ उनके भाइयों से बहुत लेना लाना है, भाई उनके खेती बाड़ी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। हाँ, बाकी उनका कुछ यहाँ और चाचा आरोप लग रहा है कि पिछले 3-4-5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। संजय समर सिंह जो है मधु जो है इनसे आकांक्षा दुबे से काम करवा लेते थे, लेकिन आकांक्षा दुबे का पैसा नहीं देते थे, क्या ये बात सत्य है? क्या आपको लगता है कि समर काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते थे? एक सामान्य सा प्रश्न मेरा आपसे है। हाँ, पूछिए। हमारे आपके घर सबके घर काम करने वाले होंगे, हम कहीं ना कहीं लोगों से काम करवाते हैं। हाँ, व्यावसायिक कार्य हो, जैसे हमको ट्रैक्टर चलवाना हो, गाड़ी चलवानी हो, या घर पर कोई नौकर रखते हैं। हाँ, कृषि कार्य के लिए, या कहीं फैक्ट्री मिल फैक्ट्री में। हाँ, किसी को भी आप 1 महीने सैलरी ना दीजिए, वो आपके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो 3 साल से काम करा रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे, तो क्या आज तक आकांक्षा दुबे जी ने कहीं कंप्लेन की है? हाँ, किसी थाने में? हाँ, सच बात है, ये तथ्य की बात है कि अगर पैसा नहीं मिल रहा था तो 5 साल तक उन्होंने एक साथ काम क्यों किया? कह रही है कि अगर काम करके पैसा नहीं देते थे। हाँ, तो कहीं तो शिकायत करनी चाहिए थी। हाँ, या कभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं ये तो प्रश्न आता। हाँ, कहीं उन्होंने कहा होता कि नहीं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आज तक कभी किसी को नहीं, आप भी मीडिया चैनल से हैं तो आपके भी संज्ञान में आया होता जी। आप जब इन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं तो कहीं तो मिला होता है ना कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और काम करा के नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर वो इस तरह का काम करते तो उनके इतने कोई स्टार नहीं होते। हाँ, अच्छा, एक मेरा और काम सवाल नहीं है करता कि मान लीजिए समर सिंह दोषी नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है और सच में दोषी नहीं है, तो कानून से वो भागे क्यों है? मतलब FIR हो गया है, उनको अपनी बातें आकर प्रशासन के सामने रखनी चाहिए, शासन के सामने अपनी बातों को रखकर जो है जांच में सहयोग करना चाहिए। वो अभी तक प्रशासन से क्यों भागे हैं? अब ये तो हमारे संपर्क में तो है नहीं। हाँ, चाहिए उनको कि कानून का सहयोग करें, और करेंगे भी। हाँ, करना चाहिए। हाँ, तभी बातें सामने आएंगी। और प्रशासन वैसे भी पड़ताल कर रहा है। हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि जांच चल रही है। हाँ,
कमरों का ताला खोला गया, वहाँ डेड बॉडी मिली, कैसे क्या है, जो भी मोबाइल से सिस्टम निकल, कहाँ पार्टी में गई, क्या है, वो तो जांच का विषय है। वो तो बिना समर कर रहे भी क्लियर हो सकता है ना कि पार्टी में कौन था, कौन ले गया, जो कि मीडिया में चल रहा है कि किसी पार्टी में गई थी, वहाँ से आई, कोई उनको वहाँ तक छोड़ा, फिर दूसरा कोई पहुँचाया कमरे तक। सर, ये जो दो नंबर चलाते थे, वो दो नंबर चलाते थे समर सिंह, और दोनों नंबर जब से उनकी डेथ हुई है तब से दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कोई भी किसी के साथ अगर आप नामजद FIR कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके घर छोटी सी घटना हो जाए, मामूली झड़प हो जाती है, पुलिस के खिलाफ कोई पुलिस में जा कोई कंप्लेन देता है तो लोग पुलिस के डर से इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन लीगल एडवाइजरी के तौर पर हो सकता है कहीं लीगल प्रयास करना चाहिए कि भाई तथ्य क्या है, सच्चाई है, विवेचना पुलिस कर ही रही है, जो भी होगा सच सामने आ जाएगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, वहां पर उन दोनों लोगों की तस्वीरें साझा होती हैं, उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि कोई उसमें डिप्रेशन में है या किसी प्रकार का मन मुटाव है, तब इतना बड़ा आरोप कैसे लग जाता कि 14 तारीख को एक दूसरे के साथ उन्होंने तस्वीरें शेयर की? अगर मान लीजिए कोई मन मुटाव होता तो तस्वीरें नहीं शेयर होती, तो मतलब ये कैसे आरोप है? ये सब मनगढ़ंत, इसी वही सब चीजें तो विरोधाभास स्पष्ट कर रही है ना। उनकी माता जी कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर के किसी का मुहरा बन करके काम कर रही हैं। अगर उनकी बेटी के साथ समर के ऐसे रिश्ते रहे होते, तनावपूर्ण रहे होते, तो जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी आज तक जो अब चल रहा है ये काफी पहले चलने लगा होता कि तनाव है, टॉर्चर करना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, समर सिंह क्या आदतन अपराधी है? मतलब इससे पहले भी अपराध इस तरीके का करते थे क्या? कभी नहीं, वो अपने उम्र के लोगों के साथ निहायत शरीफाना अंदाज में पेश आते थे, यहाँ तो घर रहते नहीं थे, लेकिन कभी कभार अगर उनका आना जाना होता था तो पूरे गांव मोहल्ले में सबसे बहुत ही अदब के साथ पेश आना, पैर छूना, प्रणाम करना, हालचाल लेना और चले जाना, यहाँ तो रहना होता नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने आकांक्षा दुबे से 2-3 करोड़ रुपया लेकर पीटर इंग्लैंड जैसे तमाम प्रकार के शोरूम खोले हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है और एक गाड़ी लिया गया है? अच्छा, ये बताइए, हम तो नहीं जानते, चूंकि यहाँ हमारे साथ रोज रहते तब तो जानते ना, वो बाहर जब रहते हैं यहाँ तो रहते नहीं हैं। अगर उनसे पैसा लिया गया, उधर आपको पैसा दिए भी नहीं, जो खुद अपना पैसा नहीं पा रहा है वो अपना पैसा दूसरे को देगा? जो खुद अपनी मजदूरी का पैसा अगर नहीं पाया है उसी व्यक्ति, जो व्यक्ति उसको नहीं दे रहा, अगर उन्हीं की बात को माना जाए कि वो पैसा नहीं दे रहे थे काम करा के, फिर उन्हीं को पैसा अपना देंगे अलग से? एक बात और सामने आ रही है कि लगातार उनको ये फोर्स किया जा रहा था कि तुमको केवल मेरे साथ काम करना है और मेरे साथ हीट जोड़ी देना है और इंडस्ट्री में किसी के साथ काम नहीं करना है, ये कहाँ तक सत्य है? आप बताइए कि जो 3 साल से कह रहे हैं कि मना कर रहे थे कि किसी साथ काम नहीं करना है, तो क्या इस 3 साल में उनका किसी अन्य हीरो के साथ एल्बम नहीं आया? पवन सिंह के साथ जिस दिन डेथ हुई है उसके जस्ट जिस दिन रात में घटना हुई है उसके भियान भर में क्या हुआ है कि पवन सिंह के साथ उनकी एल्बम लॉन्च हुई और 3-4 घंटे जाते जाते 10 लाख लोगों ने उस एल्बम को प्यार दे दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे 3 साल से अगर वो काम करते, 3 साल में बहुतों के साथ उनके गाने आए होंगे, चाहे वो पवन सिंह जी होंगे, चाहे खेसारी जी होंगे, चाहे मनोज तिवारी जी होंगे, जिनके साथ भी वो काम करती रहेंगी, क्या 3 साल में अकेले समर के साथ उनके एल्बम आए हैं? नहीं, सोचने का विषय है। और क्या 3 साल में उन्हीं के साथ एल्बम, अगर वह रोकते तो फिर वो क्यों रोकेंगे? क्या अधिकार है उनका? क्या रिश्ता था कि किसी को मना करेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि उनका उनसे अफेयर चल रहा था और बाद में शादी करने वाले थे दोनों लोग, ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं लगता है। अब वो खैर व्यक्तिगत विषय है वो, लेकिन ऐसा कभी खुल करके आया नहीं, ऐसा सामने खुलकर नहीं। क्या चाहते हैं चाचा जी कि इस मामले पर एकदम जम के जाँच होना चाहिए और जो दोषी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप? हमारी संवेदना आकांक्षा दुबे जी के साथ, परिवार के साथ है जी। जो भी घटना हुई है उस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, और हमें यह भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस निष्पक्ष ढंग से काम करेगी। हमको न्यायपालिका और कार्य पर कानून पर दोनों पर भरोसा है जी, जी। जो भी दोषी हो उसकी जाँच हो, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी ही अच्छे ढंग से ढूंढने का प्रयास कर रही है। अभी हम लोग समर सिंह के घर पे थे, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और पत्रकारिता का ये धर्म है कि जब आप किसी दूसरे पहले पहलू को जान रहे हो तो उस पहलू को भी जानिए। जो सच में दोषी, जिसको करार दे दिया गया है, जिसको आरोपी बनाया गया है, जिसको अभियुक्त बनाया गया है, उनके घर पर रहकर उनके घर के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे, और उनके पड़ोस के चाचा जी थे जिनसे इन तमाम विषयों पर
बात कर रहे थे, इनके हिसाब से संजय सिंह नामक कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है सर जो जिसका नाम मधु दुबे ले रही यानी आकांक्षा की माता जी। तो आखिर संजय सिंह कौन है और संजय सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, तो संजय सिंह कौन थे, किस प्रकार का मामला है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। बाकी चाचा हमारे साथ थे, इनसे इन तमाम विषयों पर बात कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।